सब्सक्राइब करें मेरे YouTube चैनल को, साथ में बेल आइकॉन भी दबाएं, जिससे मेरे चैनल पर हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमत्कारी उपायों के वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं वैभव नाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे 17 दिसंबर के पंचांग, राशिफल और महा उपाय के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पंचांग की। विक्रम संवत 2077 मास चल रहा है मार्चीज का, तिथि शुक्ल पक्ष की तृतीया की तिथि है, गुरुवार का दिन है, नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा, योग है ध्रुव और करण है गर। तो ये तो बात रही आज के पंचांग की, अब चर्चा करते हैं राशिफल की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज किसी भी व्यक्ति पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। आप अपने सेंसेस का, अपनी बुद्धि का प्रयोग जरूर करें। ओम मायने नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और क्रोध करने से आपको बचना होगा। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपको कोई बहुत बड़ा सरप्राइज मिल सकता है। सबके साथ मिलकर के अगर काम करेंगे तो काम ज़्यादा आसानी से और काफ़ी लाभ वाली स्थिति में आपका पूरा होगा। ओम भक्ति प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और किसी की निंदा करने से आप बचें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज सारा काम अगर आप प्लान बना करके करेंगे तो आपको काम करने में बहुत ही सुविधा होगी। श्री काल भैरवाष्टकम का पाठ करें और मांसाहार का सेवन और प्रयोग करने से आपको बचना चाहिए। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए अपने खर्चों पर आज आपको कंट्रोल रखना होगा, वरना आने वाले समय में गंभीर आर्थिक समस्या में फंसते हुए आप दिखाई देते हैं। दुर्गा चालीसा का पाठ करें और काले रंग के वस्त्रों के प्रयोग से आपको बचना चाहिए। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाने से पहले अच्छी तरीके से सोच लेना चाहिए, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जितना फायदेमंद आपको लग रहा है या जो मुनाफा, जो फायदा आपको दिखाया जा रहा है ऑन पेपर, उतना बड़ा फायदा इसमें है नहीं। गणेश चतुर्थीर्ष का पाठ करें और आत्मविश्वास में कमी ना होने दें। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आपके अंदर जो धैर्य की कमी है उसे दूर करने की आवश्यकता है। आज शनि चालीसा का पाठ करें और किसी की निंदा करने से आपको बचना चाहिए। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आज अपने काम को संगठित करने की आवश्यकता है। आज आपसे कोई मदद मांग सकता है, आपको उनकी सहायता अवश्य करनी चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए गणेश चालीसा का पाठ करें और किसी भी तरीके के वाद विवाद में पड़ने से आपको बचना होगा। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए अपने ज्ञान से आज आप सबको प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए जितना हो सके अपने ज्ञान, अपने जानकारी, अपने आइडियाज़ आपको लोगों के साथ बांटने चाहिए। लक्ष्मी चालीसा का पाठ करना और भाई बंधु के साथ वाद विवाद न करना आज आपके लिए बहुत ज़्यादा हितकारी रहने वाला है। धनुराशि वाले जातक लोगों के लिए आज कोई बहुत अच्छे जॉब की ऑफर आपको मिल सकती है, जिसका इंतज़ार आप काफ़ी लंबे समय से कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना करें, वाहन का प्रयोग बहुत सावधानी से करें। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आत्मसंयम बना करके रखना होगा, वरना बनता हुआ काम भी बिगड़ सकता है। श्री गोपाल सहस्त्रनाम स्त्रोतम का पाठ करें और बड़े बुजुर्गों का दिल आप बिल्कुल ना दुखाएं। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज जितना हो सके अपने आसपास के लोगों से सीखने का प्रयास करना चाहिए। श्री कृष्ण सहस्त्रनाम स्त्रोतम का पाठ करें और वाणी पर संयम आप जरूर रखें। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए कोई नया काम करने के लिए आज का दिन बहुत ही शुभ है। नया पार्टनर मिलेगा, ऐसी स्थिति में आपको घबराना नहीं चाहिए। अपने नियम व शर्तें, अपने टर्म्स एंड कंडीशंस आप तय कर लीजिए, एग्रीमेंट करके काम करिए। श्री संतान गोपाल स्त्रोत का पाठ करना आज आपके लिए कल्याणकारी होगा। पार्टनर से झगड़ा या वाद विवाद आपको बिल्कुल नहीं बढ़ाना चाहिए। तो दोस्तों, ये तो बात रही आज के 12 राशि की। हम लोगों ने जाना ग्रह नक्षत्र की स्थितियां क्या कहती हैं और दिन को शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं आज के महा उपाय की, जिसमें मैं आपको बताऊंगा व्यापार व्यवसाय में लाभ के लिए छोटे छोटे आसान से वास्तु उपाय, जो छोटे छोटे उपाय करके आप अपने बिजनेस में बड़ा मुनाफा, बड़ा प्रॉफिट कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं, आइए समझते हैं। व्यापार व्यवसाय में लाभ के लिए जरूरी है कि आप जहां कारोबार कर रहे हैं वहां धन आगमन के लिए अनुकूल स्थिति हो। ये अनुकूल स्थिति तब बनती है जब दुकान या व्यापारिक प्रतिष्ठान का वास्तु सही हो, नहीं तो मेहनत और समय खर्च करने के बावजूद भी लाभ को लेकर के निराशाजनक परिस्थिति ही व्यापारी के सामने बनी रहती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार व्यापार में बेहतर लाभ पाने के लिए सबसे पहले तो आपको ये करना है कि व्यापारिक प्रतिष्ठान की दीवारों पर गहरे रंग आप न लगवाएं, जितने लाइट कलर कराएंगे उतना अच्छा होगा। सफ़ेद, क्रीम और दूसरे हल्के रंगों का प्रयोग सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है, जो लाभ में वृद्धि करने में सहायक होता है। जब भी दिवाली आने वाली हो, रंग रोगन करवाते समय इन बातों का आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। जब भी आप रंग पेंट कराएं तो सॉफ्ट कलर्स कराइए, बहुत ब्राइट कलर मत कराइए।
दूसरी बात जो ध्यान देने वाली होती है वो ये है कि व्यापारिक प्रतिष्ठान का दरवाजा अंदर की ओर खुलना चाहिए, बाहर की ओर खुलने वाला दरवाजा लाभ कम देता है और हानि ज़्यादा कराता है, और उससे जो है आपका नुकसान जो है बढ़ता जाता है और आने वाली लक्ष्मी वो दरवाजे से बाहर चली जाती है और आपका खर्च भी अचानक से आपके व्यापार पर बढ़ जाता है, जिसके कंपैरिजन में, जिसकी तुलना में आय कम होती है, व्यय बढ़ जाता है। दुकान में उत्तर और पश्चिम दिशा की ओर शोकेस का निर्माण करवाना बहुत ही शुभ होता है, इससे खरीदारों की संख्या बढ़ती है। धन में वृद्धि के लिए तिजोरी का मुंह उत्तर की ओर रखें, क्योंकि यह देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर की दिशा होती है। अगर आपके व्यापारिक प्रतिष्ठान में सीढ़ियां बनी हुई हैं तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए कि सीढ़ियों की संख्या सम नहीं होनी चाहिए। जैसे सीढ़ियों के लिए मैंने एक बहुत साधारण सा फॉर्मूला बताया था, ये फॉर्मूला सीढ़ी पर भी लागू होता है, और जो गार्डर्स और जो बीम होते हैं छतों में, वो घर हो, ऑफिस हो, फैक्ट्री हो, दुकान हो, कहीं हो, सब जगह सेम फॉर्मूला लागू होता है। सीढ़ियाँ जब भी या गार्डर जब भी गिनते हैं तो ईश यम राज ऐसा करके गिनना चाहिए। ईश पर समाप्त होती है सीढ़ी तो बहुत ही शुभ होती है, ऐसा व्यक्ति बहुत धार्मिक प्रवृत्ति वाला होता है, उस जगह पर, उस स्थान पर, उस घर में, उस ऑफिस, दुकान, फैक्ट्री में ईश्वर की कृपा होती है। यम पर समाप्त होता है तो वो यम कारक होता है, हमेशा आप नुकसान में रहेंगे, रोग में, बीमारी में, दुर्घटना में, किसी की दुर्घटना में असमय मृत्यु तक हो सकती, क्योंकि यम का प्रभाव ऐसी जगह पर ज़्यादा हो जाता है। और राज पर समाप्त होने पर राजकाज बना रहता है, आप हर चीज़ से परिपूर्ण रहते हैं। तो जब भी सीढ़ी गिने, सीढ़ी चढ़ते समय आपको नीचे से शुरू करना चाहिए और गिनना चाहिए ईश यम राज, ईश यम राज, ईश यम राज। तो या तो ईश पर ख़त्म हो या तो राज पर ख़त्म हो, यम पर नहीं ख़त्म होना चाहिए। इस तरीके से आप सीढ़ी और गार्टर्स का निर्धारण करें, गिनती उसकी, संख्या उसकी निर्धारित करें तो आपके लिए शुभ होगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि शास्त्र से जुड़ी हुई बातें, ज्ञान की बातें जो आपको मेरे YouTube चैनल से प्राप्त होती हैं, वह निश्चित ही पसंद आती होंगी। आप सभी से बार बार आग्रह है कि जब भी आप मेरे वीडियोज़ देखते हैं तो इनको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि आपका दिन शुभ हो, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा YouTube चैनल वैभवन। नमो नारायण। हर हर महादेव। मित्रों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। मेरे चमत्कारी उपाय, ज्योतिष, वास्तु, तंत्र मंत्र, दैनिक राशिफल, व्रत त्योहार, वैदिक पूजा पाठ के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी के निशान को भी दबाएं, जिससे कोई भी उपाय आपसे मिस ना हो जाए। परेशान बिल्कुल भी ना हो, जीवन में यदि समस्याएं हैं तो शास्त्रों में उसका समाधान भी है। यदि आप अपनी किसी भी व्यक्तिगत समस्या के लिए मुझसे परामर्श और समाधान चाहते हैं, यानी आप अपनी किसी भी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए मुझसे कंसल्टेशन और रेमेडीज चाहते हैं, तो उसके दो तरीके हैं, टेलीफोनिक कंसल्टेशन, फ़ोन पे बात करना, और दूसरा फेस टू फेस यानी पर्सनल मीटिंग के करना। आप हमें फ़ोन के माध्यम से, ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9997241। आपको दो नंबर दे रहा हूँ, इन दोनों नंबर पर व्हाट्सएप अवेलेबल है, आप व्हाट्सएप करें। 9818300146 ये हमारे ऑफिस का दूसरा नंबर है। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए sharma.vaibhava@gmail.com पर, इस पर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। मित्रों, आजकल फ़ोन कॉल्स बहुत ज़्यादा हैं और मुझे भी मालूम है आप लोग कॉल करते हैं, फ़ोन रिसीव नहीं होता तो आप भी निराश होते हैं, ऐसे में ईमेल और व्हाट्सएप करना सबसे बेहतर तरीका है। धन्यवाद। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।